सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, बेल आइकन को दबाओ नोटिफिकेशन के लिए। हेलो, हम डॉक्टर चेष्टा गौतम। आज का वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको विटामिन B1 मतलब कि थायमिन के बारे में बहुत कुछ पता चलने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विटामिन B1 नर्वस सिस्टम, ब्रेन, मसल्स, हार्ट, स्टमक, इंटेस्टाइन, इनमें जो कॉम्प्लिकेशंस की संभावना होती है, जो रोग होने की संभावना होती है, उससे बचाव करता है। मसल्स और नर्व सेल्स के अंदर की तरफ इलेक्ट्रोलाइट्स का आना और बाहर की तरफ जाना, इस प्रक्रिया में ये विटामिन इन्वॉल्व होता है। ये कई डिजीज से बचाव करता है, जैसे कि बेरी बेरी, जिसके अंतर्गत हार्ट, नर्व्स और डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम आती है। एक स्पेसिफिक ब्रेन डिसऑर्डर होता है जिसको वर्निकी करसकॉफ सिंड्रोम कहते हैं। विटामिन B1 इसके रिस्क और सिम्टम्स को कम कर देता है। वर्निकी डिजीज़ में सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की नर्व्स डैमेज हो जाती है। ये डिजीज़ मेनली एल्कोहलिज्म के कारण, जो माल न्यूट्रिशन होता है, उसके कारण होती है। करसकॉफ सिंड्रोम में मेमोरी प्रॉब्लम और नर्व डैमेज मिलता है। बॉडी को थायमिन की आवश्यकता होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाने के लिए, ATP बनाने के लिए। ये एक मॉलिक्यूल होता है जो कि सेल के अंदर एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है। जब चावल पॉलिश किए जाते हैं तो उसमें ब्राउन राइस की जो आउटर लेयर होती है ब्राउन कलर की, उसको हटा दिया जाता है। उस ब्राउन लेयर में ही विटामिन B1 या थायमिन पाया जाता है। तो चावल से अगर वो लेयर हटा देंगे तो विटामिन B1 चला जाएगा। ब्राउन राइस की आउटर लेयर में विटामिन B1 पाया जाता है। सभी बी विटामिन कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं, जिसका प्रयोग बॉडी एनर्जी को प्रोड्यूस करने में करती है। विटामिन B1 सल्फर कंटेनिंग विटामिन होता है, मतलब इसमें सल्फर पाया जाता है। ईच 1000 कैलोरीज के लिए 0.5 mg विटामिन B1 की आवश्यकता होती है। सी फूड जिसमें थायमिनेज नामक एंजाइम पाया जाता है, वो थायमिन को डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है। RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस फॉर मैन, पुरुषों के लिए जिनकी आयु या एज 19 साल या इससे अधिक है, उनके लिए 1.2 mg डेली। वुमेन महिलाएं जिनकी एज 19 साल या उससे अधिक है, उनके लिए 1.1 mg डेली। प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन की कंडीशन में इसकी अमाउंट 1.4 mg तक बढ़ा दी जाती है। इस तरह हमने विटामिन B1 के बारे में आज बहुत सारी जानकारी प्राप्त की है। अगर आप जानने की इच्छा रखते हैं कि विटामिन B कितने प्रकार के होते हैं, तो उसके लिए भी वीडियो अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं। तो इस तरह के और भी वीडियोस आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।